अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि संसद एक स्वर से हमारे सैनिकों के साथ खड़ी होगी, जो सीमा पर मजबूती के साथ देश की सुरक्षा में खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत पर चीन को संसद से एक खास संदेश दिया है, एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, एक कड़ा संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि संसद एक स्वर में यह संदेश देगी कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के साथ एकजुटता से खड़ी है और ऐसा करना संसद की विशेष जिम्मेदारी भी है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को दिए अपने बयान में मोदी ने लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के स्पष्ट संदर्भ में कहा कि भारतीय सैनिक दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बहादुरी के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आने वाले समय में तो अब वहां बर्फबारी भी होनी है। गतिरोध का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेदारी है और खास तौर पर इस सत्र की विशेष जिम्मेदारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद वर्षा भी शुरू होगी, जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन और सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से संदेश देंगे कि सेना के वीर जवानों के पीछे पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा, संसद और सदस्यों के माध्यम से पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री का यह आह्वान ऐसे समय में आया है जब संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की संभावना है। कुछ विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, इस मुद्दे पर लगातार सरकार की आलोचना कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और देश को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज़्यादा, जितनी गहन, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि चर्चा के दौरान सभी सदस्य वैल्यू एडिशन करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र पैदा हुई विशेष परिस्थिति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक दवाई नहीं बन जाती तब तक कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, हर आवश्यक सतर्कता का सभी को पालन करना है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हों और दुनिया में हर किसी को इस संकट से बाहर निकालने में हम कामयाब हों। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण काल में हो रहे संसद सत्र के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक विशिष्ट वातावरण में प्रारंभ हो रहा है, कोरोना वायरस भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते ही संसद का बजट सत्र समय से पहले रोकना पड़ा था। लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों के समय में हुए परिवर्तन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन अब शनिवार और रविवार को भी बैठेगा, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार कर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में दो बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी,
और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं, जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं,